Assalamualaikum beautiful people, I hope you all guys are fine and doing well. Thumbnail तो आपने देख लिया होगा कि इस व्लॉग में क्या होगा. तो जी हाँ, रमज़ान ख़त्म हो गया है और ईद का दिन शुरू हो गया है. तो अभी 5:35 हो गए हैं और हमने जाना है नमाज पर. तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे और ये कुछ दबाव लगा है, इसको आप इग्नोर करो. तो हम जाएंगे फजर की नमाज के लिए और फिर इंशाल्लाह, चूँकि ईद का दिन है तो हर ईद में हम कब्रिस्तान जाते हैं और अपनों को याद करते हैं और इस तरह मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा. तो टाइम चूँकि नहीं है और नमाज भी पढ़नी है तो इंशाल्लाह नमाज पढ़कर फिर कब्रिस्तान में मिलते हैं. Moments later. Welcome back. तो नमाज हमने पढ़ ली है और कब्रिस्तान भी गया था, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया. तो अभी मैं घर आया हूँ और चूँकि कमरा भी मैंने साफ कर लिया है और कुछ काम थे तो उसको भी कर लिया है. तो अब हम ईद की नमाज के लिए रेडी होने जा रहे हैं, नहाएंगे और इंशाल्लाह फिर कपड़े पहनेंगे. 3 hours later. अस्सलामुअलैकुम. तो ईद की नमाज हमने पढ़ ली है और आप सबको मेरी तरफ से और आपको आपके फैमिली को भी मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक. अभी मैं मस्जिद से आया हूँ तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने YouTube फैंस को ईद मुबारक कह दूँ और इसके बाद सबके रिश्तेदारों के भी घर जाना है. तो 12 बजे तक मैं बिल्कुल भी बिजी हूँगा और इसके बाद देखते हैं. कल रात सोया भी नहीं क्योंकि चांद रात थी, बाहर था और फिर घर आया तो घर की सफाइयाँ भी थी कमरे की. तो इंशाल्लाह रिश्तेदारों के घरों में भी जाना है और मौसम आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मौसम है. तो इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ तो अगर घूमने का कोई चांस मिला तो इंशाल्लाह घूमेंगे भी, अगर नहीं मिला तो फिर सो के उठेंगे और फिर आपसे मिलेंगे. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. वेलकम बैक टू द व्लॉग. और अभी 1 बज गया है, नमाज पढ़ के आए हैं हम और एक बात बतानी थी कि ये देखो भाई, ये ऐसे दिखा देता हूँ, बारिश. मतलब इंसान क्या कर सकता है बारिश में, इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. तो क्या कर सकते हैं, घर में बैठे हैं और अगर बारिश रुकी तो इंशाल्लाह फिर बाहर जाएंगे
किसी के घर भी नहीं जा सकता क्योंकि बारिश बहुत है, और चलो घर में बैठते हैं। अगर बारिश होगी तो बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, आपको फिर दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर व्लॉग को इन करेंगे। ठीक है, तो सी यू। दुआ करो कि बस बारिश रुक जाए और एक का दिन हमारे घर में ना गुजर जाए। यार 3 बज गए हैं और अभी तक बारिश हो रहा है। एक सेकंड मैं आपको टाइम दिखा दूं, ये देखो, और रुक ही नहीं रहा बारिश। पता नहीं क्या हो रहा है, बस बारिश होता ही जा रहा है। लेकिन तस्वीरें हमने खींच ली है। ठीक है, यहाँ पर बैठकर हमने तस्वीरें खींची है, और यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप तस्वीरों देख लो, तो मेरा आउटफिट भी आप देख सकते हो वहाँ पर। तो अब हम जाएंगे बाहर, अगर बारिश नहीं रुकती तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी इंशाल्लाह जाएंगे। बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो हम जाएंगे बाहर। बाहर जाके फिर मिलते हैं। Six hours later. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet. Dark's all that I see, and your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. More moments later. तो ये था व्लॉग ईद का, और कुछ ख़ास नहीं हो पाया क्योंकि बारिश आ गई थी, और शुक्र ये भी है कि बारिश रुक गई बीच में, और हम घूमने के लिए भी चले गए। आपको मैंने दिखा दिया वहाँ पर, कुछ बताया नहीं चूँकि व्लॉग भूल गया था मैं, सिर्फ खालिस वीडियो किया मैंने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करो लाजमी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पामान।